हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा ये 11th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा और ये लेक्चर हमारा रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन से है। और हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस एंड कांस्टेंट। उसके बारे में हमने ये भी देखा कि डायमेंशनल वेरिएबल होते हैं, और फिर हमने देखा डायमेंशनल वेरिएबल हैं जो डायमेंशनलेस वेरिएबल हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट है, या फिर हमने ये भी पढ़ा कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैसे होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा डायमेंशनल एनालिसिस एनालिसिस। तो इसके अंदर यूज क्या 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 होंगे, हम इनका डायमेंशन का इसका मतलब क्या है कि हम डायमेंशन को यूज करके, डायमेंशन फॉर्मूला को यूज करके हम क्या क्या चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे इनका यूटिलाइज किया जा सकता है डायमेंशन का, तो वो हमने आज डिस्कस करना है। वन बाई वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला दिया है यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो फर्स्ट हम जो करेंगे उससे पहले आपको एक चीज़ पढ़नी होगी, उसके लिए हम क्या उसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ध्यान से सुनना क्या कहता है, मैं इसकी डेफिनेशन भी राइट करवा दूंगा, एक बार इसको समझ लो। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब कोई आपको फिजिकल क्वांटिटी दे दी, क्या दे दी आपको, फिजिकल क्वांटिटी, क्या दे दी, फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दे दी तो उसके अंदर आपका जो, अगर हम डायमेंशन निकाल रहे हैं